नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूरे बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूल बंद रखने के जारी किए आदेश। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आयोजित हुई बैठक। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे लोगों को जागरूक। मायागंज अस्पताल में 4 जनवरी को होगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। गला एवं मुंह के मरीजों की होगी जांच। जल जीवन हरियाली को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। 15 जनवरी को राज्य में बनाई जाएगी विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। और अखिल भारतीय साहित्य लोकार्पण सह कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। गीतकार की रचनाओं पर झूमे श्रोता। अब समाचार विस्तार से। पूरे बिहार में ठंड का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ते ठंड में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसको लेकर स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं डीएम ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाली स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने गुरुवार को बांका स्थित अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष द्वारा लोगों को भ्रमित कर हंगामा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता घर घर एवं गांव गांव जाकर लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक करें, साथ ही लोगों को नागरिकता कानून के बारे में सही जानकारी दें। नागरिकता संशोधन बिल के बारे में जो ये मुट्ठी भर कांग्रेसी हैं या राजद के लोग, इन लोग जो दिग्भ्रमित करने का लोगों को, अल्पसंख्यक समाज को कर रहे हैं, इसके लिए हम एक एक कार्यकर्ता गांव गांव में जाएंगे और सब लोग उनको ये बताने का काम करेंगे कि यह कानून किसी का हक या किसी का अधिकार या किसी को देश छोड़ने का नहीं है। यह कानून सबको अधिकार देना के लिए लगातार हम कर रहे हैं। मायागंज अस्पताल में 4 जनवरी को नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता की ओर से निशुल्क ओरल हेड एंड नेक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया जाएगा, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह करेंगे। एसपी सिंह ने बताया कि कैंप में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मरीजों की जांच होगी। साथ ही वैसे मरीज जिनको सर्जरी की जरूरत होगी, उनकी सर्जरी अस्पताल में करवाई जाएगी। डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर रिचा, डॉक्टर सवा अख्तर, डॉक्टर महेश कुमार शामिल रहेंगे। बता दें कि ईएनटी हेल्थ कैंप में मुंह एवं गले में सूजन, लंबे समय तक खांसी ठीक न होना, गर्दन में गांठ, मुंह में किसी प्रकार का जलन या दर्द, मसूड़ों में खून आना जैसी बीमारियों का इलाज होगा। 4 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम जो है कि कैंसर डिटेक्शन कैंप हम लोग कर रहे हैं, जो गला के ऊपर, जैसे नाक में हो, कान में हो, गले में हो, गर्दन में हो या माथे में हो, किसी ढंग की अगर कैंसर का शंका वाली कोई भी स्वेलिंग होती है, घाव होता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसको हम लोग जाँच करेंगे। अगर वो कैंसरस चेंज होने वाला है उसमें, तो उसका हम लोग अर्लियर स्टेज में पता करके उसका इलाज करने की व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए जो है हमारा ENT एसोसिएशन का AOI बिहार झारखंड ब्रांच का भागलपुर चैप्टर जो है, और इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो भागल का है, उसको उनके साथ हम लोग नारायण हॉस्पिटल से इनके स्पेशलिस्ट को हम लोग बुला रहे हैं। वो डॉक्टर हर्ष हैं, वो आते हैं और उनका स्पेशलिस्ट ओपिनियन उस पेशेंट को दिखा करके उनको हम देंगे। जल जीवन हरियाली को लेकर 19 जनवरी को राज्य में विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर गुरुवार को जगदीशपुर प्रखंड में जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में शामिल टोला सेवक, आशा कार्यकर्ता, तालीमी मरकज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मध्य विद्यालय जगदीशपुर के शिक्षकों ने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आम लोगों से मानव श्रृंखला में भाग लेने की अपील की। रैली का नेतृत्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रेखा मोदी ने की। इस मौके पर आशुतोष चंद्र मिश्र, शंकर पासवान, फूल कुमारी, राजेश सहित काफी संख्या में सेविका, सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थीं। भागलपुर के चंपानगर स्थित व्यायाम कला केंद्र में अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच की ओर से
लोकार्पण सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जनार्दन झा, डॉक्टर मधुसूदन झा, भगवती झा, संजय झा, डॉक्टर अमरेंद्र, अमोद कुमार मिश्र एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया, जिसके बाद डॉक्टर मधुसूदन झा एवं भगवती झा द्वारा रचित पुस्तक अंगिका साहित्य का आदिकाल एवं साहित्य और मीडिया का लोकार्पण किया। डॉक्टर मधुसूदन झा ने कहा कि पुस्तक का लोकार्पण एक माध्यम है, अंगिका साहित्य का आदिकाल होना चाहिए, जिसे आज सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। वहीं सम्मेलन में गीतकार राजकुमार, एस के प्रोग्रामर जयप्रकाश झा, आमोद मिश्र, अजय कुमार एवं शशिकांत गुप्त ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मंच का संचालन ऋचा एवं नवराज मिश्र ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संजय झा उर्फ बंटू मिश्र ने किया। इस मौके पर बजरंगी प्रसाद, रामजी प्रसाद सिन्हा, अजीत पांडे, प्रभास मिश्रा, अमर ज्योति सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सूरज सदा जितरो अभियानी ब्रह्मे तिवेदां तिनो बोधा बुद्ध इति प्रमाण पटव करते तिनैयायिका। मुख्य रूप से अंगिका साहित्य के आदिकाल और साहित्य और मीडिया, ये दो पुस्तक जो हमरो छे, एक अंगिका में छे आ एक जैसे वो हिंदी में छे, दोनों पुस्तक के लोकार्पण होले। हिंदी साहित्य के आदिकाल के समानांतर जैसे अंगिका साहित्य के आदिकाल जैसे वो हमारा द्वारा जैसे प्रस्तुत करलो छे। साहित्य और मीडिया के विशेषता छे कि उसमें साहित्य के भी बात छे और मीडिया के भी बात छे। उसमें बिहार के पत्रकारिता, भारत के पत्रकारिता, राजा राममोहन राय पुत्र के पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित जितने चीज छे वो उपस्थित छे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने गुरुवार को पीरपैंती प्रखंड में 8 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान डीलरों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। डीलरों ने सरकार से 30,000 रुपया वेतन देने, केरोसिन पर 3 रुपये प्रति लीटर कमीशन देने और राज्य कर्मी की तरह सभी सुविधा देने की मांग की है। भागलपुर के वरिष्ठ कामरेड अवध किशोर का पार्थिव शरीर गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गया।
इसके पूर्व नाथनगर स्थित तांती बाजार में शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और अपने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। शव यात्रा का नेतृत्व केंद्र समिति सदस्य कामरेड अरुण मिश्र ने किया। बुनकर संघर्ष समिति के चाहत अंसारी एवं जुम्मन अंसारी ने बताया कि कामरेड अवध किशोर ने अपना पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत बनाने में लगा दिया। उन्होंने कहा कि कामरेड के शव यात्रा में हजारों बुनकर शामिल हुए और अपनी शोक संवेदना प्रकट की। हम आपको बता दें कि 19 जनवरी 1987 को बिजली कटौती के खिलाफ बुनकर आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा मनस्कामना नाथ चौक के समीप डीएसपी सुखदेव मेहरा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। डीएसपी मेहरा हत्याकांड में कामरेड अवध किशोर को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, जिसे कोर्ट ने वर्ष 2016 में कामरेड अवध किशोर को डीएसपी मेहरा हत्याकांड से बरी कर दिया था। भागलपुर स्टेशन परिसर स्थित सांस्कृतिक कर्मियों द्वारा 30वां सफदर हाजमी शहादत समारोह का आयोजन किया गया। रंगकर्मियों द्वारा सफदर हाजमी को याद करते हुए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए गीत, गजल, नुक्कड़ नाटक आयोजित की गई, साथ ही समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। हम आपको बता दें कि सांस्कृतिक कर्मियों द्वारा विगत 30 वर्षों से सफदर हाजमी का शहादत दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम के माध्यम से रंगकर्मियों ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए देश के वर्तमान हालात पर भी प्रकाश डाला। सफदर हाजमी शहादत दिवस समारोह में शहर के दिशा, आलय, संबंध, संवेद सहित कई सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रेश, डॉक्टर चैतन्य प्रकाश, विक्रम, मनोज, राहुल, शहादत हुसैन सहित कई रंगकर्मी मौजूद थे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ करकेगी, हम देखेंगे। मुद्रा को इसकी नीति यही है, विश्व बैंक का नारा है। मुद्रा को इसकी नीति यही है, विश्व बैंक का नारा है। मुद्रा को इसकी नीति यही है, विश्व बैंक कार्यक्रम है। जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं कि सफदर हाशमी शहादत दिवस समारोह, और ये 30वां सफदर हाशमी शहादत दिवस समारोह भागलपुर में आयोजित हो रहा है। उद्देश्य एकदम पूरी तरह से स्पष्ट है, जैसा कि बैनर में भी आप देख रहे हैं कि 30 वर्षों का जो हमारा सफ़र है उसको हमने सार संक्षेप में बैनर में दिखाने की कोशिश की है। हम दरअसल नाटक के जरिए, गीत संगीत के जरिए लोगों के बीच पहुंचना चाहते हैं और लोगों से अपने को जोड़ना चाहते हैं। आम तौर पर गीत संगीत नाटक देखने के लिए लोग मंच तक पहुंचते हैं, हम इसके ठीक विपरीत लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों के साथ अपने जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं वो हम उनके साथ शेयर करते हैं। पिछले 30 वर्षों से ये कार्यक्रम स्टेशन परिसर में हो रहा है और उद्देश्य तो कार्यक्रम का यही है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध, क्योंकि यह कार्यक्रम सफदर हाशमी की शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है। सफदर हाशमी हल्ला बोल नाटक का मंचन करते हुए 1 जनवरी को उन्होंने लाठी खाई थी और 2 जनवरी को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सफदर हाशमी का नाटक था हल्ला बोल, यानी सरकार की नीतियों के खिलाफ जो गलत है उसके खिलाफ, तो ये एक प्रतिकार है और इसी प्रतिकार को करने के लिए हम लोग शहर के सारे सांस्कृतिक कर्मी मिलजुल कर एक साथ 2 जनवरी को स्टेशन अहाते में ये सभा आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग शहादत दिवस समारोह मनाते हैं और सफदर हाशमी के
मरणोपरांत से ये 89 से स्टार्ट हुआ है, लगातार 30 वर्षों से भागलपुर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि सफदर हाशमी कोई इंसान नहीं, एक विचार है, और उस विचार को आम जनता तक हम ले जाना चाहते हैं, आम जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं अपने गीत के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, हम सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। क्या सफदर हाशमी का शहादत दिवस है, और उसी शहादत दिवस पर उनको याद करने के लिए जन नाटक जन गीत का आयोजन है जो भागलपुर के सांस्कृतिक कार्य में प्रत्येक साल करते हैं, उसी का ये है। और आज जो देश की स्थिति है उसमें बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, तो उसके लिए माध्यम चाहिए। नेता आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। सफदर हाशमी को मारने वाला कांग्रेस का पार्षद था, तो सत्ता किसी का नहीं है, वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, जनता को ही बोलना होगा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गुरुवार को मायागंज अस्पताल के समीप जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के बीच लायंस क्लब ऑफ भागलपुर की ओर से कंबल वितरण किया गया। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर की प्रेसिडेंट शशि भुवानिया ने बताया कि शीतलहर के कारण ठंड काफी बढ़ गई है, जिससे गरीब एवं बेघरों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोगों की समस्या को देखते हुए लायंस क्लब ऑफ भागलपुर की तरफ से कंबल वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, जरूरतमंदों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मौके पर लायंस क्लब की कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। जरूरतमंद लोगों के बीच में कंबल का वितरण करती है, उसी प्रक्रिया में इस साल भी कंबल का वितरण कर रही है। कंबल की संख्या बहुत है, जरूरतमंद लोगों की जो जरूरत होती है वो लायंस क्लब हर साल की तरह इस साल भी कर रही है। और साथ में हम लोग का 8 जनवरी को एक प्रोग्राम है देवी बाबू धर्मशाला में, उसका नाम है फन एंड मस्ती। उससे भी जो पैसे हम लोग में जमा होते हैं वो हम लोग चैरिटी काम में लगाते हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड स्थित वरियार घाट में हो रहे पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि पुल निर्माण में काफी अनियमितता बरती जा रही है, साथ ही कार्य में घटिया सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रकलन के अनुसार सरिया नहीं लगाने का आरोप संवेदक पर लगाया है। वहीं पुल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिलते ही सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। सहायक अभियंता ने बताया कि संवेदक के द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मामले की सूचना वरीय अधिकारियों को देने की बात कही। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गुरुवार को नाथनगर वार्ड संख्या 4 की पार्षद नीतू देवी ने असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच 100 कंबल का वितरण किया। नीतू देवी ने बताया कि शीतलहर को देखते हुए कई जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटा गया, जिससे उन्हें सर्दी के मौसम में राहत मिल सके। मौके पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पप्पू यादव मौजूद थे। बिहार में कड़ाके की ठंड जो भागलपुर में गरीब गुरबा वो सहाय के बीच आज 103 कंबल का वितरण किया गया। नाथनगर प्लस नाथनगर विधानसभा शहरी और भागलपुर शहरी क्षेत्र के बीच मेरा लक्ष्य है, जो गरीब गुरबा को कड़ाके की ठंड को हर साल हम लोग सेवा करने की भावना से सेवा करते हैं। बिहार झारखंड सीमा स्थित महगामा प्रखंड के खुर्द डुमरिया गांव में गुरुवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन लोजपा प्रखंड अध्यक्ष सह दलित सेना उपाध्यक्ष सुबोध पासवान ने फीता काट कर किया। उद्घाटन मैच शहजादपुर एवं डुमरिया के बीच खेला गया, जिसमें शहजादपुर की टीम ने डुमरिया की टीम को 20 रनों से पराजित कर दिया। इस दौरान सुबोध पासवान ने कहा कि खेल जीवन का अहम हिस्सा होता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर विश्वनाथ सिंह सहित काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूरे बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी, कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूल बंद रखने के जारी किए आदेश। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आयोजित हुई बैठक, भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे लोगों को जागरूक। मायागंज अस्पताल में 4 जनवरी को होगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, गला एवं मुंह के मरीजों की होगी जांच। जल जीवन हरियाली को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, 15 जनवरी को राज्य में बनाई जाएगी विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। और अखिल भारतीय साहित्य लोकार्पण सह कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, गीतकार की रचनाओं पर झूमे श्रोता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।